क्लॉथ्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन सैंडल्स शूज हैंडबैग्स ट्रैवल बैग्स भी फैंसी डिजाइन हाई हील्स कैजुअल ऑफिस वेयर डेली वेयर क्लॉथ्स शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट तो आज ही आए क्लॉथ्स शूज एंड बैग्स मैं इस्लामुद्दीन खान और आप दिख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अब धीरे धीरे स्कूलें चालू हो रही हैं मगर वहीं पेरेंट्स के पास मसला स्कूल के फीस जमा करने को लेकर खड़ा हो रहा है। फीस न भर पाने की वजह से बच्चों को स्कूल भी छोड़ना पड़ रहा है मगर ऐसे में मदद के लिए मुस्लिम लीग अधिकार सेना पार्टी और कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन के लोग आगे आए हैं। मुस्लिम लीग की फरहत शेख ने बताया है कि मुमरा कौसा के कई स्कूलों में फीस ना भर पाने वाले बच्चों की लिस्ट मांगी गई थी। कुछ स्कूलों ने उन्हें लिस्ट भी दिया है मगर और कुछ स्कूलों ने उन्हें लिस्ट देने से मना कर दिया मगर फरहत शेख ने बताया है कि जो स्कूलों ने जानकारी मिली है उसके अनुसार करीब 1500 बच्चे ऐसे हैं जो फीस नहीं जमा कर पाए हैं अभी तक। ऐसे में मुस्लिम लीग जन अधिकार पार्टी और कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन के लोगों ने बताया कि करीब 30 संस्थाओं से उन्होंने मदद मांगी ताकि इन बच्चों की फीस वो जमा कर सके और जिन बच्चों की फीस बाकी है उनमें लगभग सभी के 6 से 7 हज़ार रुपये फीस इस तरह के बकाया है। मुस्लिम लीग जन अधिकार पार्टी और कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन की कल इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है फरहत शेख ने क्या कुछ जानकारी दी है सुनिए। दरअसल बात ये थी कि 2020-21 से बहुत सारे बच्चों का पर्सनली भी लोग हमारे पास आ रहे थे कि हमारे बच्चे की फ़ीस नहीं भरी हुई है बहुत प्रॉब्लम है तो हम नहीं चाहते थे कि हम अलग अलग हर पेरेंट्स से अप्रोच करें हमारे हमको जो है वो सारा डेटा स्कूल से मिल जाता था तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पेरेंट्स से रबता ना कायम करते हुए डायरेक्ट स्कूल में अप्रोच करें तो हम लोगों ने स्कूल में ये लेटर दिया था 2 महीने पहले जहाँ पर हम लोगों ने ये डेटा मांगा था कि 2020 और 2021 में जिस बच्चों की फ़ीस बाकी है आप वो फीस का डेटा वो जो जो बच्चे की फ़ीस बाकी उसका डेटा आप हमें प्रोवाइड कीजिए तो कुछ यहाँ पर स्कूल्स है ये पूरे ये जो है सेंट्रल पब्लिक स्कूल है जैसे और सलमान फारसी स्कूल है रहनुमा इंग्लिश स्कूल है ये सारी कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने हम लोग को डेटा प्रोवाइड किया। आप देख सकते हो कि एक एक स्कूल की लिस्ट कितनी लंबी लंबी है ठीक है एक एक स्कूल की यानी आप समझ सकते हैं कि एक स्कूल में अगर एक स्कूल का डेटा देखा जाए तो कम से कम 500-500 बच्चों की फ़ीस देखिए 7-7 हज़ार रुपये सब बाकी है यहाँ पर फीस सबकी बाकी है तो तकरीबन हम लोग ये सिर्फ ये स्कूल ये डेटा जो है वो 8 से 10 स्कूल का है और जिसमें हम लोगों को 1500 बच्चों का डेटा मिला है कि 1500 बच्चे अभी तक फ़ीस नहीं भरे 2020 और 2021 की तो हमारा ये था कि अब किसी ना किसी तरीके से इन लोगों की मदद कर रहे हैं तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों पेरेंट्स से अप्रोच करके क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी को शर्मिंदगी महसूस हो हम लोगों ने डायरेक्ट स्कूल से इस बारे में रब्ता कायम किया और स्कूल से हम लोगों ने ये उनको ये भरोसा दिलाया है कि हम जो है आपके ये बच्चों की लिस्ट हम लोगों ने मुंबई की कुछ 30 ट्रस्ट है उनको ये लिस्ट फॉरवर्ड की है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इन बच्चों का फीस का जो मसला है वो बहुत जल्दी हल हो जाएगा तो ये जानकारी जो आपने पूछा ये इसके मैंने कहा ना जैसे कि 30 ट्रस्ट मुंबई के है जैसे खिदमत खल्क है और भी दूसरी ट्रस्ट है वहाँ पर हम लोगों ने किया पर्सनल लेवल पे भी जा के कर रहे हैं हम लोग तो वहाँ से जो है हम लोगों को ये स्कूल का फंड जो है प्रोवाइड होने वाला है और ये मेरा मानना है कि जब हम अपोजिशन में रह के हम इतना काम कर सकते हैं तो ये काम तो सत्ताधारी पार्टी का भी कर सकते यहाँ के नगर सेवक जो थे वो भी ये काम ले सकते थे वो भी इस चीज़ के लिए स्टैंड ले सकते थे।